इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं, वो क्वेश्चन किससे रिलेट करता है? मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स से। ठीक है, आप लोग बोर्ड पे क्वेश्चन देख पा रहे हैं, क्वेश्चन मैंने पहले लिख दिया, आपका ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए इसमें बिल्कुल भी, इसलिए मैंने पहले लिख दिया है। क्वेश्चन क्या कहता है, आपके पास क्वेश्चन है कि मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू, आपके पास 1 - 3 - 4 - 2 - 1 - 2 एंड मैट्रिक्स बी इज इक्वल टू -2 - 4 - 5 एंड 1 - 1 एंड 3 है। ठीक है, तो आपके पास एक इक्वेशन गिवन है, इक्वेशन है आपके पास 5a - b3d + 2x इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, ये इक्वेशन है आपके पास में और आपको बोला है फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। सो अपन इसमें क्या करने वाले हैं, इसमें सबसे पहले ध्यान से देखिए सब लोग, ये आपको एस जैसा दिख रहा होगा, ये है आपके पास 5। ठीक है, 5a, जैसे कि हमने लास्ट क्लासेस में डिस्कस किया है कि ए आपके पास मैट्रिक्स है और यहाँ पे आपके पास एक नंबर है, तो किसी भी मैट्रिक्स के साथ में जब आप कोई वेरिएबल या कोई नंबर मल्टीप्लाई करते हो तो वो पर्टिकुलर नंबर जो है वो आपकी मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स के साथ में 1 by 1 करके मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, 1 by 1 करके आपकी पूरी पूरी जो मैट्रिक्स है उसके सारे एलिमेंट्स के साथ में मल्टीप्लाई होगा। तो सबसे पहले अपन को ये जो टर्म है ये कंप्लीट करनी होगी। ठीक है, तो अपन को हमको सबसे पहले 5a फाइंड आउट करना है। 5a फाइंड आउट करने के लिए अपन को 5 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मैट्रिक्स ए के साथ। मैट्रिक्स ए आपके पास में है 1 - 3 - 4 - 2 - 1 - 2। ठीक है, ठीक है बच्चों, आपके पास ये मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स के साथ आपको मल्टीप्लाई करना है 5 को। तो ध्यान से देखिए 1 by 1 इसके सारे एलिमेंट्स के साथ में 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा। देन 5 × 1 फर्स्ट 5 - 3 5 - 4 5 - 2 5 - 1 एंड 5 - 1। आप देख पा रहे होंगे शायद। ठीक है, देखिए आगे इसको अपन थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। तो 5 - 1 = 5 - 15 - 20 - 10 5 - 10 ये आपके पास एक नई मैट्रिक्स आपको मिल जाती है जब आप मैट्रिक्स ए के साथ 5 नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए आगे आपको क्या चाहिए इस इक्वेशन में, आपको चाहिए 3b। तो आपको सबसे पहले 3b फाइंड आउट करना पड़ेगा। देन 3b इज इक्वल टू 3 को मल्टीप्लाई करना है मैट्रिक्स बी के साथ। मैट्रिक्स बी है -2 - 4 - 5 - 1 - 1 - 3। ओके, मल्टीप्लाई करते तो सारे एलिमेंट्स के साथ में 1 by 1 मल्टीप्लाई होगा, जैसे कि अपन ने ऊपर किया है 3 - -2 3 - 5 - 1 - 1 and 3 1 - 1 and 3। ठीक है, आगे देखिए इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो अपने पास में क्या मैट्रिक्स मिलती है, 3 - -2 इज -6 - 12 - 15 - 3 - 3 and 9। ठीक है बच्चा, आपके पास मैट्रिक्स मिल गई, ये आपने फाइंड आउट कर लिया है 5a और ये आपने फाइंड आउट कर लिया है 3b। अब आपने इक्वेशन में दोनों टर्म्स को फाइंड आउट कर लिया है जो आपको चाहिए, तो अब आप इस इक्वेशन में वैल्यू पुट कर सकते हो। इक्वेशन क्या कहती है, 5a - 3b + 2x इज इक्वल टू, आपके पास में 0 है। इस इक्वेशन में जब आप ये वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास में क्या होगा, देखिए 5 - 15 - 20 - 10 5 - 10 के साइन है आपके पास में और -3b की वैल्यू आपके पास है -6 - 12 - 15 - 3 - 3 and 9। ठीक है बच्चों, आपके पास में इन दोनों की वैल्यू आपने यहाँ पे पुट करी है। वैल्यू पुट करने के बाद में नेक्स्ट आपके पास में है प्लस के 2x इज इक्वल टू 0। देन वी हैव टू फाइंड आउट द
देन 5 माइनस माइनस 6 माइनस 15 माइनस माइनस 12 20 माइनस 15 10 माइनस 3 5 माइनस माइनस 3 ओके देन माइनस 10 माइनस 9 ठीक है बच्चों आपके पास ये मिल रहा है प्लस 8 2x इज इक्वल टू 0 यहां पे आपके पास इतना हो गया है इसको आप थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे सॉल्व करने के बाद आपके पास ये क्या मिल रहा है माइनस माइनस प्लस देन 5 प्लस 6 इज 11 ठीक है माइनस 15 माइनस माइनस प्लस प्लस 12 माइनस 15 एंड प्लस 12 देन माइनस 3 आर लेफ्ट 20 माइनस 15 5 आर लेफ्ट 10 माइनस 3 7 माइनस माइनस प्लस 3 प्लस 5 इज 8 माइनस 10 माइनस 9 इज माइनस 19 देख रहे हैं आप लोग माइनस 19 आपके पास यहाँ पे है आगे देखिए अब आपके पास में आ गया है कि ये टर्म प्लस 2x इज इक्वल टू 0 अब आप 2x को लेफ्ट पोर्शन में रखिए और जो ये पूरा मैट्रिक्स है इसको राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दीजिए जब ये मैट्रिक्स आपकी लेफ्ट हैंड साइड में है तो पॉजिटिव के साथ प्लस साइन के साथ राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दोगे तो ये माइनस साइन के साथ जाएगी तो अपन इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं चलिए 2x इज इक्वल टू ये पूरी हो जाएगी माइनस साइन के साथ तो माइनस को अपन मल्टीप्लाई कर देंगे 11 माइनस 3 5 7 8 माइनस 8 19 ओके देन माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो मैं ये पे कर दूँ ये आपके पास हो गया माइनस के 11 प्लस के 3 माइनस के 5 माइनस मैंने पूरे एलिमेंट्स के साथ में मल्टीप्लाई किया है तो जो पॉजिटिव का साइन